हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक नई रेसिपी के साथ स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूँ का आटे का हलवा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है, जिसको अच्छी तरह से छान लिया है, ये देखिए। और इसके लिए हमने 4 बादाम काम में लेंगे, 3 काजू काम में लेंगे, और 100 ग्राम ताज़ा शुद्ध देसी घी, और 1 प्लेट चीनी काम में लेंगे। आप मीठा आप सही तरह से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 कप पानी, देखिए गैस को ऑन कर दिया है, और इसके ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है और इसके अंदर आटा डाल दिया है, और इसको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं आटे को चम्मच की सहायता से। इस प्रकार से चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे। कार से आटे को अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। वीडियो में लगातार बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बगल में बेल आइकन को से दबाएं, ताकि समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए हमारा आटा वो अच्छी तरह से रोस्ट होने लगा है, और इसमें थोड़ी अच्छा खुशबू आने लगा है। इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, इससे हलवे का स्वाद अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए अच्छा कलर चेंज हो गया है। अब हम दूसरी कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे और इसको थोड़ा मेट कर लेते हैं। तो देखिए घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर हमने थोड़ा बादाम काजू फ्राई कर लेते हैं। इसे देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसको चम्मच की सहायता से एक बार निकाल लेते हैं। अब हम घी के अंदर आटा डालेंगे, जो रोस्ट किया हुआ था आटा डालेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चम्मच की सहायता से, ताकि इसके लिए किसी प्रकार का लम्स न बने। चम्मच को लगातार चलाते रहे और वीडियो में लगातार बने रहे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चम्मच को थोड़ा जल्दी चलाते रहे, इससे कि इसके अंदर लम्स न पड़े। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे 1 कप। इसको अच्छी तरह से आटे को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे जो बादाम काजू है उसको थोड़ा कट कर लेते हैं, थोड़ा गार्निश करने के लिए। देखिए हलवा है वो अब अच्छा अच्छा गाढ़ा बनकर तैयार होने लगा है। अब इसमें काजू बादाम डाल देंगे। चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा गार्निश कर देते हैं। इसको एक अलग प्लेट के अंदर डाल लिया है, गैस को बंद कर दिया है। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।